साहब कि आपके इलम में है कि डिस्ट्रिक्ट बार बार एसोसिएशन से आते हुए सीजियो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के इंटरग्रेशन के हवाले से बकायदा लेक्चर्स का आगाज़ किया गया है। नए ट्रेडिशन हमने यहाँ पर शुरू किया है, उस सिलसिले में आज ये फिफ्थ लेक्चर है और टॉपिक है हमारा सब्जेक्ट हमारा CPC सिविल प्रोसीजर कोड और उसमें स्पेसिफिक टॉपिक है सेक्शन 9 जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोड्स। इस सिलसिले में आज हमारे पास मलिक शहबाज साहब मौजूद हैं एंड अनडाउटली ही इज वन ऑफ द मोस्ट इमिनेंट एंड बिजी लॉयर्स इन डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन शाहपुर और मैं पर्सनली और बाकी तमाम दोस्त इनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपने कीमती वक्त से टाइम निकाला। तो माइक इज ओवर टू मलिक शहबाज साहब ताकि लेक्चर का आगाज हो सके। थैंक यू सो मच सबसे पहले मैं कमेंट करना चाहता हूँ आपको के बार लेवल पे ये लेक्चर सीरीज जो है वो स्टार्ट हुई है। तो एस क्लास को आपके दो स्टेप पे ये सारी चीज़ें प्रोवाइड हो रही हैं जो कि आप दूसरे चैनल चाहते हैं। तो यहाँ पर कंडीशन यही थी कि जो भी जीम आती थी वो जीम लोगों का जो हमारे नए स्टूडेंट्स हैं उनके करीबी कैरियर की बजाय उनका ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल और ज़्यादा जो दिलचस्पी है वो भाषाओं पर रही है। ना सही हमने देखा कि हर साल भाषण जो नए तबील होते थे, लेकिन मैं इनको कंप्लीट करता हूँ और मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ। मैं भी इधर ही रहा हूँ, इधर ही रहना है, इधर से हमें जो कुछ भी हमें जो है कि इन्होंने जो एक्चुअल प्रॉब्लम थी यंगस्टर की उसको पॉइंट आउट किया है और आपको एक बेहतरीन फोर्म जो है वो मुहैया किया है। ताकि देखिए जब भी आप इधर आते हैं तो आप इधर एक अच्छा वकील बनने के लिए या जज बनने के लिए आते हैं या लॉ फील्ड में आप सब करने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे अगर आप आके आपको एटमोसफियर ना मिले तो वो बहुत बड़ा नुकसान है। बच्चा जब पैदा होता है तो माँ बाप की जिम्मेदारी है उसको दर्जे दे, बेस्ट एजुकेशन दे। तो कोई वकील जब कॉलेज से निकल के आ जाता है तो बाद में ये बार का सबसे बड़ा फर्ज है कि उसको एक तलीमी माहौल में असर करे ताकि वो एक बेहतर शहरी बेहतर वकील और बेहतर जज जो है वो बन के शाहपुर की प्रेजेंटेशन करे और अपने जो जिंदगी के मामला हैं उनको भी बेहतर जा सकता है। मामला वकील साहब है हमारे एक्स सक्री एक्स जैन सक्री उनकी भी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। तो मैं स्पेशली करना चाहता हूँ दोबारा जिन को कम्प्लीट करना चाहता हूँ कि वो इस लिहाज से उन्होंने ये जो मामला किए हैं ये बहुत पॉजिटिव है और आपके लिए इंशाल्लाह बेहतरी पैदा होगी। हमारा जो आज का लेक्चर है वो सेक्शन 9 जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोड। तो मैं जरा डिफरेंट काल से आया हूँ, डिफरेंट काल से मैं कह सकता हूँ मैं जरा डिफरेंट अंदाज से लेकर आया हूँ। मुझसे सारे लेक्चर बेहतर होंगे या वो बेहतर लेक्चर मिलेंगे ऑब्वियसली, लेकिन मैंने जो थोड़ा एक्सपीरियंस किया है तो जो चाहे उसके बाद जो हैं जो पेपर आए हैं 2010 में 300 जजेस जो हैं वो कैंडिडेट पास हो गए थे और उनमें से 229 की कैप्चर हो गई। ठीक है, सिलेबस यही था। 2014 में भी जो है वो 200 और पास हो गए, 183 सिलेक्शन हो गई। हमारी जो 2015 में 380 पास हो गए, तो सिलेबस यही था। लेकिन बाद में जो लोगों को पेपर हुए हैं उसमें अपना बच्चे भी बड़ी डिलीजेंस के साथ गए हैं, सिलेबस भी वही रहा है, लेकिन वहाँ पे जो पास होने की रेशियो है वो बहुत कम थी। इसका मतलब है ऑब्वियसली आपको मैं पता है कि सिलेबस तो वही है लेकिन जो क्वेश्चन दे रहे हैं वो ज़रा डिफरेंट अंदाज से आ रहे हैं, प्रपोजिशनल क्वेश्चन आ रहे हैं। अब वो कहो गया कि आपने रेजुमे का डाटा भी याद कर लिया है, सेक्शन 9 को याद कर लिया है, डिग्री के तरीक याद कर लिया है, अपील याद कर ली है, तो वो पूछेगा तो व्हाट इज अपील और इट्स पॉइंट। तो ये वाला मामला नहीं है, इसलिए मैं दोबारा अपनी बात करने लगा हूँ कि ये बार का फर्ज था और ये आपका राइट है। आप जब इस बार के मेंबर बने हैं तो आप कुछ पेमेंट भी करते हैं, आई थिंक वो बहुत ज़्यादा तो नहीं होती जब आप लाइफ मेंबर बनते हैं कुछ और बनते हैं। तो ये बार का फर्ज है टू बी ऑनेस्ट कि वो आपको जो नए हालात आपके चेंज हुए हैं उसके मुताबिक डाले। तो ऑब्वियसली जो आपको स्टार्ट हुआ है ये बहुत पॉजिटिव है। तो मैंने जो आज मैं अपना लेक्चर करूँगा एक घंटे में शायद समर्थन करेंगे तो इसमें मैं थोड़ी सी एफर्ट करूँगा कि आप अभी सारे ज़्यादा 2 साल से ऊपर है, किसी को 5 साल स्पेंडिंग है, किसी को 7 साल स्पेंडिंग है, तो मैं आपसे कुछ मैं सवाल लेके आया हूँ
आपने खुद को असर्टेन करना है कि आपने क्या पढ़ा है। या देखें आप क्या कर रहे हैं, सेक्शन 9 जो है सेक्शन 9 के तरीके से बात करना चाहता हूं। काफी अच्छे से आप सेक्शन 9 पढ़ रहे हैं, सेक्शन 9 पढ़ रहे हैं। ऑनेस्टली मैं सेक्शन 9 के ऊपर का सवाल लेकर आया हूं और मैं बुक से ही लेकर आया हूं, मैं अपनी तरफ से कोई चीज लेकर नहीं आया। आज आप जस्ट लाइक यू मैं कोई बेटर नहीं या कोई बहुत बेहतर नहीं, मैं अपनी एफर्ट्स और कोशिश कर रही है नॉट टू फैसिलिटेट यू इन दिस वे। तो बहुत रहा आज हम देखते हैं कि आप क्या पढ़ रहे हैं और उनकी क्या रिक्वायरमेंट है। और जहाँ पे 200-300 जज पास हो जाता था वो कंटेन होके 20-15 या 30 क्यों रह गया, क्योंकि जो हमारा वे ऑफ स्टडी है वो थोड़ा सा हमें उस पर गौर करना है। इसके लिए मैं क्वेश्चन आंसर पर मैंने जाना है, बताऊँगा आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, अपना मुहासबा कीजिए कि सेक्शन 9 के मुताबिक 4 साल लगाए आपने, 3 लगाए हैं, 5 लगाए हैं, तो जो मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ वो क्वेश्चन किस हद तक आपके जहन में है, उनके रिप्लाई आपके जहन में है, या आप अगर आपको ये क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो आप इनको कैसे अटेम्प्ट करेंगे। सबसे पहले ये है पार्टिसिपेशन, ठीक है जी। देखिए ऑनरेबल मेंबर्स, ये क्लास है, ये मत समझिए मैं किसी सवाल करना तो मैंने पॉइंट आउट करके करना है, पार्टिसिपेट कीजिए। जो सवाल किया जाता है तो जो बंदा उसका जवाब देता है उसको सारी जिंदगी उसका जवाब जो है वो नहीं होता, ठीक है जी। सबको पता है कि सेक्शन 9 जो है वो है किसी को कोर्ट ऑफ अल्टीमेट जुरिस्डिक्शन एंड इट कैन बी कॉन्टेंस अपॉन ऑल मैटर्स अनलेस इट्स जुरिस्डिक्शन एक्सप्रेसली या इंप्लाइड इन बार, ये सेक्शन 9 है। अब ये सवाल तो मैं देने वाला नहीं, इससे थोड़ा सा आपने जो है वो डिफरेंट जाना है, डिफरेंट जाएंगे तो फिर अल्लाह ताला के मामले जो है आपके मामले को सारे हो जाएंगे। पहला हमारा सवाल है व्हाट इज जुरिस्डिक्शन, कितने बंदे या बंदे हैं जो जुरिस्डिक्शन का मुझे बता सकते हैं, व्हाट इज जुरिस्डिक्शन प्लीज। हफ्ते आ रहे स्मॉल, ठीक है वहां पे मेरा ख्याल है आप इंग्लिश करेंगे आप, ठीक है आपके जुरिस्डिक्शन। अगर मैं कहूँ कि डिफाइन जुरिस्डिक्शन जिनको आता है वो जरूर बोले, जिनको नहीं आता वो अपने जहन में सोचे कि ये जो क्वेश्चन है मुझे किस हद तक आता है किस हद तक नहीं आता। इन्होंने कह दिया कि जब भी कोर्ट जस्टिस एडमिनिस्टर करने के लिए कोई एक्ट करती है पार्टीज के मुबैन में तो वो उसका जो अख्तियार है वो जुरिस्डिक्शन है, ठीक है जी। कोर्ट जुरिस्डिक्शन अज्यूम करने के बाद जो है वो जस्टिस एडमिनिस्ट्रेट करती है, इट इज अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट, इट इज कंट्रोल ऑफ द कोर्ट, ठीक है जी। आगे आ जाइए हाउ जज विल डिटरमिन इट्स जुरिस्डिक्शन, बताइए हाउ जज विल डिटरमिन इट्स जुरिस्डिक्शन। मैं कहता हूं ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है यू हैव टू रिप्लाई हाउ मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपने आपको अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना है। मैं उस लेक्चर का गाइड नहीं हूँ कि मैं एक डंडा बोलूँ और आप ऐसे ऐसे करें, आपको मैंने इन्वॉल्व करना है ताकि सेक्शन 9 के तल का चीज अगर रह जाएगी। तो इस क्लास में चाहता हूँ पार्टिसिपेट करें, हाउ जज कैन डिटरमिन इट्स जुरिस्डिक्शन। ये पार्शल है, ठीक है पार्शल आपका पार्शल है, बहुत जल्दी चीज़ है। देखिए पिछले जो सिचुएशन भी जर्मन कर रहे हैं अपना लाभ छोड़े कहाँ से जर्मन करेगा, मैं देखिए वेरी गुड वो करेगा फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ द प्लेन, जज वो जर्मन इस जो सिचुएशन फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ द प्लेन। आप अच्छी तरह से देखेंगे कि जो लास्ट सीन होता है उसमें ये लिखा होता है that value of the subject matter for the purpose of economic jurisdiction and court fee is increased 2 lakh, ठीक है जी। 2 lakh आ गया, अगर वो amount है तो amount आ जाएगी, अगर वो subject matter की value आ जाएगी तो ये question number 1 जो है वो हमारा number 2। अब आ जाते हैं कि section 9 जो है बहुत ज़्यादा ये मसला पड़ा रहता है कि what is civil right, what is civil suit। तो मेरा दूसरा question ये है कि what is civil court,
how many civil courts are there and what is particularly and territory jurisdiction of court. तो कोई बता सकता है मुझे कि हमारे पंजाब का जो एक्ट है उसके मुताबिक हाउ मैनी सिविल कोर्ट्स आर देयर. बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब आएंगे. दिस इज नॉट क्लास. आप सारे ऑनरेबल मेंबर्स हैं, हमें ज़रा सा इसको समझते हैं. हाउ मैनी क्लस्टर सिविल कोर्ट्स आर देयर. अब ये देखें ना, ये वे आर गोइंग टू बिकम जज. ये वाला बिकम जज सर. दो है कौन कौन से? सिविल जी नहीं है. नॉट एट ऑल. हाई कोर्ट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट व्हिच इज क्रिएटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन. ये हैज नथिंग टू डू विद सिविल मैटर्स. ओके ओके. हाउ मेनी सिविल कोर्ट्स आर देयर. बहुत कॉमन सी बात है, छोटी सी बात है. There are three kinds of civil courts. अब कंप्राइज ना बता दें आप. कंप्राइज ना बता दें आप. मैंने कहा था कि आप सोच सोचिए. मैंने स्पेशल लेक्चर तक का गाइडलाइन, ठीक है जी. हमने आपको इन्वॉल्व करना है, हमने आपको एब्जॉर्व करना है इसके अंदर, ताकि हमें भी पता चलता रहे कि आप किस हद तक दिलचस्पी ले रहे हो, किस हद तक आप एडमिट हो, नोविस हो, या दरमियान में पहुँच चुके हो, या आप इंतहा पर पहुँच चुके हो. कुछ ना कुछ हमें बल सक्री साहब को पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए जिन्होंने यहाँ पे आना है, ताकि उस तरह से पता चलता है. देर आर थ्री काइंड ऑफ सिविल कोर्ट्स, ठीक है जी. अब वो कंप्राइज कर कौन कौन से हैं, कौन कौन उनको कंप्राइज कर करेगा. प्रेसिडेंट जारी जिसे कहते हैं, एक जी फर्स्ट क्लास नहीं, वो तो उनकी कम्युनिटी प्यारी भी तो क्लासेस का पता चल जाएगा कम्युनिटी के वजह से, ठीक है जी. देखिए सिविल कोर्ट कंप्राइज ऑन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट जज, सिविल कोर्ट कंप्राइज ऑन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज एंड सिविल कोर्ट कंप्राइज ऑन सिविल जज, ठीक है जी. सिविल जज जो है, आप देखिए इसमें डिफरेंस है. जब पेकुलियर जुरिस्डिक्शन आएगी तो वो जज की आएगी, वो कोर्ट की नहीं आएगी, ठीक है जी. देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ सिविल कोर्ट्स, कंप्राइज ऑन डिस्ट्रिक्ट जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज एंड सिविल जज. हाउ मेनी क्लासेस ऑफ सिविल जज देयर, ये तो एवरीबॉडी नो. How many civil judges are there? Four. Four. There are three kind of judges, sir. First, second, and third. अब आ गया जी, what is particular jurisdiction of civil judge first class? जी. Unlimited jurisdiction. ना बट इतनी jurisdiction of civil judge second class. जी. 50 lakh. And the judge song. 10 lakh. 10 lakh. अब आगे यहाँ पे मैं देखा है पेट्रोलियम जुरिस्डिक्शन, ठीक है जी. ये अब देखिए, मैंने कहा था कि डिस्ट्रिक्ट जज जो हैं वो भी सिविल कोर्ट हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज भी सिविल कोर्ट है, इनके डिफरेंट डेजिग्नेशन है. तो जब मुझे कोई बता सकता है कि कोई वेदर वी कैन फाइल सिविल सूट बिफोर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कोर्ट एज वेल? यस जी, ठीक हो गया. हम अब ये देखते हैं कि वेदर डिस्ट्रिक्ट जज हैज अनलिमिटेड पावर्स, अनलिमिटेड को वैल्यू सब्जेक्ट मैटर लाइक अ सिविल जज या फर्स्ट क्लास का, उनके अनलिमिटेड पावर नहीं है. क्या पावर्स होंगे, पिटली पावर्स क्या होंगे फिर, अगर सिविल कोर्ट इज कंप्राइज ऑन बाय डिस्ट्रिक्ट जज, व्हाट वुड बी हिज पिटली जुरिस्डिक्शन? आंसर जी 50 मिलियन. जी और कोई चलकर फर्स्ट क्लास की जुरिस्डिक्शन आप कह सकते हैं, फर्स्ट क्लास सिविल जज जुरिस्डिक्शन अनलिमिटेड होगी, तो वहाँ पर अगर सिविल कोर्ट रिप्रेजेंटेड बाय डिस्ट्रिक्ट जज होगी तो वो भी अनलिमिटेड होगी, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की भी अनलिमिटेड होगी. वो जब एपीलेट कोर्ट के तौर पे एक्ट करेंगे तो फिर मैं आपको उसके बाद में बताता हूँ कि उनकी जुरिस्डिक्शन जो है वो किस तरह से रहेगी, ठीक है. अब आ जाते हैं कि एपीलेट कैटेगरी जुरिस्डिक्शन जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, वो क्यों बता सकता है? अपील डिसाइडेड बाय सिविल जज, वेल इंस्पेक्टर इट्स वैल्यू आर सब्जेक्ट मैटर और मनी and you are a real person, where you would file your appeal, and if you file your appeal before district judge,
व्हाट वुड बी इट्स पेटेंट जस्टिस। देखिए ये सवाल आने हैं अगर, ठीक है, ये चीजें हैं सारी, तो कोई बात से कोई चीज नहीं आती, ये नहीं सब। हाँ जी, 5 करोड़। देखिए पहले था 25 लाख इस तक को वैल्यू सब्जेक्ट मैटर की हो, तो वो अपील जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लाई करती थी, उससे बियॉन्ड होती थी तो वो हाई कोर्ट चली जाती थी। ठीक है, अब ये रजिस्ट्रेशन जो है वो बढ़ाकर 5 करोड़ कर दी गई है। आप 5 करोड़ तक अपील डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल कर सकते हो। अब मुझे एक प्रश्न बात बताएं कि सिविल जज फर्स्ट क्लास ने एक केस डिसाइड कर दिया है 10 करोड़ का, ठीक है, यूजली अपील अगेंस्ट वर्डिक्ट ऑफ सिविल जज फॉर लाइक टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यूजली, ठीक है, ठीक है। अब जब जज डिसाइड केस फॉर टू पे 10 करोड़ फिर भी वो लाइक हाई कोर्ट, ठीक है जी। अब देखिए वो उसको बयान कर गए हैं, अपीलेट टीम ने एक हद तक जो है वो मुकम्मल कर दी है, उसके बाद वो ऊपर जा रहे हैं। अब आ गए हम टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, पेक्यूलियर जुरिस्डिक्शन जो है वो सिविल कोड आर्टिकल 1962 में मेंशन नहीं है। वैसे मैं कहा कि हाई कोर्ट में प्लेस जजेस इन डिफरेंट कैटेगरीज, तो ये हाई कोर्ट के नोटिफिकेशन के मुताबिक उनकी जो सिचुएशन होती है कस्टमर टाइम जो है अपने टर्म होती है। व्हाट इज टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, व्हाट इज टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑनरेबल जजेस, जी सर डिस्ट्रिक्ट डिवीजन के मुताबिक, डिस्ट्रिक्ट डिवीजन के मुताबिक वो तो है सर, लेकिन टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन किस के साथ कंफाइन करेगी, सब्जेक्ट मैटर क्या होगा वो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की बात करेंगे, प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है। सिविल कोड ऑर्डिनेंस 1962 के मुताबिक जब भी कोई जज किसी डिस्ट्रिक्ट पे अपॉइंट किया जाता है उसकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन रिगार्डिंग दी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी पूरे डिस्ट्रिक्ट पे होगी, ठीक है जी, ये है उसकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। ये हमारे दो गए। अब जो मैं पहले बात करने लगा था, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच मस्ट बी लर्न बाई यू, सेक्शन 9 है वो हम सिविल की बात कर रहे हैं, क्रिमिनल प्रोसीडिंग हैं, सिविल प्रोसीडिंग हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीडिंग हैं, लेबर प्रोसीडिंग हैं, टैक्स प्रोसीडिंग हैं। तो सेक्शन 9 जो है उसकी लैंग्वेज ये भी सिविल कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ अल्टीमेट जुरिस्डिक्शन टू डिसाइड ऑल केसेस ऑफ सिविल लेवल, ठीक है जी। तो मैं ये सवाल लेके आया हूँ, सवाल नंबर 3 है व्हाट इज राइट, व्हाट इज सिविल राइट, व्हाट इज लीगल राइट एंड व्हाट इज फंडामेंटल राइट। अब तो आप लोगों को पूछ लेते हैं कि विच काइंड ऑफ राइट कैन बी इन्फोर्स्ड थ्रू सिविल कोर्ट, ठीक है जी। अब राइट क्या है, व्हाट इज राइट, यू आर गोइंग टू बिकम जज एंड यू मस्ट नो व्हाट इज राइट। देखिए राइट्स की इन्फोर्समेंट करवाने के लिए हम सिविल कोर्ट के पास आते हैं, वो अपना जुरिस्डिक्शन देखता है, उसके बाद वो जस्टिस एडमिनिस्टर करता है। तो आपको अगर अपनी प्रैक्टिस करना है या अगर आपने जज बनना है तो आपको राइट, मैं आगे राइट को फर्दर एलाबोरेट करूंगा, राइट का पता होना चाहिए, सिविल राइट का पता होना चाहिए, व्हाई इज सिविल राइट, व्हाट इज राइट। ये नाम से घंटे दो घंटे बैठने की बात नहीं है, यू हैव टू पार्टिसिपेट। देखिए राइट एक प्रिविलेज है, ठीक है जी, राइट एक कन्फर्मेंट है, एक प्रिविलेज है, ये मैं राइट में एक्सपर्टीज रखूँ, ठीक है जी। राइट जो है वो एक प्रिविलेज है, और राइट जो है वो सब्जेक्ट मैटर नहीं है सेक्शन 9 का, सेक्शन 9 का सब्जेक्ट है सिविल राइट, व्हाट इज सिविल राइट। बहुत ज़्यादा लोगों ने पोलिटिकल साइंस पढ़ा होगा, वो देंगे इजी रिप्लाई, गलत में रिप्लाई कर सकते, कोई कंसर्न नहीं है जी सर। वेयर देयर इज रॉन्ग देयर इज राइट, ये तो आ गया, ठीक है, ये तो आ गई अपना सिविल कोड से कोड ऑफ अल्टीमेट जस्टिस जो होगा, जो सुप्रीम कोर्ट ने वेयर देयर इज रॉन्ग सिविल कोड विल कम टू प्ले एंड रेस दैट राइट। ये तो बात हो गई, मैं कह रहा व्हाट इज सिविल राइट, सेक्शन 9 या जितनी भी सिविल प्रोसीडिंग्स हैं सारी सिविल की जो प्रैक्टिस है तो जाते हैं हमें तो पीर है वो सिविल राइट के लिए घूमती है। व्हाट इज सिविल राइट, इनवॉल्व प्रॉपर्टी को उसको रिप्लेस कर रहा हूं जी, इनवॉल्व प्रॉपर्टी, ठीक हो गया। देखिए सिविल राइट मैंने आपको पहले कहा था कि इंसान ने जब मौसम में रहना शुरू कर दिया तो मौसम में रहने के लिए उसको कुछ राइट्स चाहिए थे, उन राइट्स की प्रोटेक्शन भी चाहिए थी। तो आपने देखिए पॉलिटिकल साइंस से पहले सुना आपको क्या कहते थे, सिविक्स, 9 और 10 को उसको सिविक कहते हैं, और सिविक का मतलब जो है वो सिटीजन है,
तो जब कोई बंदा पैदा होता है तो अपने साथ कुछ इनहेरेंट राइट्स लेकर पैदा होता है। राइट ऑफ एयर है, राइट ऑफ लाइफ है, राइट ऑफ प्रॉपर्टी है, राइट ऑफ वर्शिप है, राइट ऑफ ऑफिस है, राइट ऑफ टेकिंग पोजेशन है, तो ये सारे राइट ऑफ प्राइवेसी है। तो ये सारे राइट्स जो हैं ये सिविल राइट्स हैं। मुआशरे में रहने के लिए जो चीज़ें उसको दरकार हैं एक स्मूथ अंदाज से हमारे गुजारने के लिए, तो वो जो राइट्स हैं वो आप अपने इनहेरिट राइट्स में कह सकते हैं। लेकिन इनहेरिट राइट्स को है कि जो होने चाहिए थे वो वाकई होने चाहिए। एक बंदा पैदा हुआ है, उसको राइट ऑफ एयर और लाइट चाहिए, ठीक है। अगर वो किसी घर में रह रहा है तो उसको प्रोटेक्शन ऑफ पोजेशन चाहिए, ठीक है जी। अगर वो उस घर में रह रहा है तो उसको प्रोटेक्शन ऑफ ओनरशिप चाहिए। तो ये सारे सिविल राइट्स हैं। इन राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए हम आ जाते हैं सिविल कोर्ट में। अब ये क्वेश्चन है, राइट भी आ गया, सिविल राइट भी आ गया, व्हाट इज लीगल राइट। मैंने कहा ये सेक्शन भी बोल सकते हैं, आप ये जवाब दें तो एक सही चलेगा। राइट डिटरमाइंड बाय कोर्ट, देखो तो बात कोर्ट को भी जाएगी भाई। वेरी गुड, राइट व्हिच इज लीगली इनफोर्सेबल इज अ लीगल राइट, एंड यू कैन कम टू अ कोर्ट इन ऑर्डर टू इनफोर्स योर लीगल राइट ऑनली। मेयर राइट कांट बी इनफोर्स्ड। देखिए जैसे एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में आपको फर्क पता है, एग्रीमेंट जो है वो हर दो बंदों के दरमियान कोई भी लीगल इलीगल चीज़ होगी तो वो एग्रीमेंट है। अगर वो लीगली इनफोर्सेबल होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। राइट सिविल राइट, सिविल राइट्स आर इन हेल्थ राइट्स एक्ट। इफ इट इज कॉन्फर्ड बाय लॉ एंड लीगली इनफोर्सेबल इट विल बिकम लीगल राइट। अब देखें जो राइट्स की कन्फर्मेंट जो है वो दो तरह की है, दो तरह की सोर्सेज हैं। अब मैं आपके से सवाल कर देता हूँ कि अंडर व्हाट सिचुएशन या व्हाट आर द बेस अंडर व्हिच लीगल राइट्स हैव बीन क्रिएटेड। अब म्यूजिकल लीगल राइट्स कहाँ से आए आपके, देखिए कहीं से आए तो होंगे ना लीगल राइट्स, आए कहाँ से आए। एड्रेस तो आपको उन्होंने बात कर दी है कि लीगल राइट इज अ राइट व्हिच इज लीगली इनफोर्सेबल, इट माइट हैव बीन कन्फर्ड बाय लॉ। तो मैं ये कहता हूँ कि इसका सोर्स क्या है जी, ये बिगिन क्वेश्चन है, इनका सोर्स क्या है। लॉ तो आ गया आपका, लीगल जो आप देंगे सोर्स क्या है, कस्टम नज़दीक पहुँच गया नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए या तो राइट स्टैचू क्रिएट करेगा, ठीक है, अगर आप वो शेयर हैं तो वो सेल हुई है तो आपका राइट प्रीएम्पशन क्रिएट हो गया, वाइट प्रीएम्पशन एक्ट 1991, ठीक है। अगर 20 ईयर्स आप किसी प्रॉपर्टी के चल रहे हैं फिर रहे हैं तो आपका इसमें राइट क्रिएट हो गया, ठीक है। या फिर कॉमन लॉ के राइट्स हैं, कॉमन लॉ को आपको थोड़ा समझ कर देता हूँ। कॉमन लॉ वॉज नॉट इनेक्टेड लॉ विद द प्रेसिडेंट बाय आउट ऑफ प्रेसिडेंस रेटेड बाय जजेस, ये लॉ जो है इवॉल्व होता गया। इसमें कभी और बात कर लेंगे, जैसे पाकिस्तान में जो टॉट है, टॉट का कोई स्टैचू नहीं है, ठीक है। इवन इक्विटी के जितने लॉज हैं उनका कोई स्टैचू नहीं है, स्टैचू के लॉज नहीं है, वो विद द प्रेसिडेंस राइट जो क्रिएट हो गए। अब आगे आते हैं, ये माइट इज फंडामेंटल राइट, ये तो किसी के दौर में नहीं है विच इज गारंटीड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब मैंने नीचे ये लिखा है कि सिविल कोर्ट कौन सा राइट इन्फोर्स कर सकती है, वेदर वी कैन इन्फोर्स फंडामेंटल राइट इन्फोर्स सिविल कोर्ट, वी कैन इन्फोर्स लीगल राइट इन्फोर्स सिविल कोर्ट, विच काइंड ऑफ राइट कैन बी इन्फोर्स फॉर द असिस्टेंस ऑफ सिविल कोर्ट, सिविल राइट, ठीक है जी। क्योंकि उसमें सेक्शन 9 आ रही है सिविल राइट, राइट मैंने कहा था कि सिविल राइट जब भी कोई इंसान पैदा होता है वो अपने साथ कुछ इनहेरिट राइट लेकर पैदा होता है, राइट ऑफ लाइफ है, राइट ऑफ प्रॉपर्टी है, राइट ऑफ एयर है, ये है। मैं कहता हूँ अब ये देखिए ये आपकी इनहेरिट राइट, आप जहाँ पे भी हैं, आप जंगल में हैं, आप जिप्सी पैदा हुए हैं, नोमैडिक हैं, जहाँ पे भी हैं कुछ इनहेरिट राइट्स हैं। जैसे दुनिया की जो अपना एस्टेब्लिशमेंट है वो राइटियस है, आप किसी भी किताब में ये नहीं पढ़ेंगे कि किसी को मारना चाहिए, ये पढ़ेंगे तो कुछ आना चाहिए, ठीक है जी। वो सिगेशियस नस पे इसकी बेस लिखी गई है। तो सिविल राइट्स में जो कोई बंदा काम पे पैदा होता है
तो वो इनहेरिटली वो कुछ राइट्स लेकर आता है, और विद इन पैसेज ऑफ टाइम जब सोसाइटीज इवॉल्व हुई तो वो राइट्स में है, जैसे मैं दोबारा इसमें आता हूँ कि आप मेंबर्स हैं डीबीए के, कि आपका राइट है कि आप टीम से पूछे कि क्या हमारा मुस्तकबिल क्या है, हमें क्या पढ़ाया जा रहा है, हमारे साथ क्या सलूक हो रहा है। तो वैसे ही जब मौसले बात होते हैं वहाँ पे सिटीजन स्टेट से पूछ सकते हैं, इलेक्टमेंट्स करवा सकते हैं, जैसे स्टेट जो सोशल वेलफेयर कॉन्सेप्ट है स्टेट का, वहाँ पर राइट्स स्टेट देती है, और वो राइट्स देने के लिए स्टैचू पास होते हैं, लॉस पास होते हैं, और कुछ राइट्स जो है वो मामला के तहत होते हैं, तो वो राइट्स लीगल राइट्स बन जाते हैं, तो उनके इन्फोर्समेंट के लिए सिविल कोर्ट में जो है वो स्टैब्लिश की जाती है। अभी हमारा आगे मैंने ये कहा है व्हाट इज सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, जनरल जुरिस्डिक्शन, पर्सनल जुरिस्डिक्शन, ये चार काइंड्स ऑफ जुरिस्डिक्शन की। देखिए मैं सेक्शन 9 का 18 क्वेश्चन ले जा रहा हूं आपके लिए, मैं एक फूड फॉर थॉट देने जा रहा हूं कि एक एक सेक्शन से आप कितने कितने सवाल दे डिफरेंट अंदाज से आंसर कर सकते हैं। गॉन आर द डेज व्हेन पता नहीं है जो फ्लाई काइट वो दिन चले गए, आप बिल्कुल भी अपने जहन में एक छोटा सा इशारा मत रखें कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं ऐसे पढ़े जा रहे हैं जुबान की जात कर रहे हैं तो ये तो दुकान जाता हो गया, वो टाइम बदल चुका है, वो टाइम पहले था 2015 से पहले पहले था, अब आपको थोड़ा सा डिफरेंट जाना है, आप प्रपोजिशन से निकालते हैं, किसी से पूछें, इस लिहाज से अपने आपको जवाब करें, क्योंकि फिर इन शाला फिर ऐसा मामला नहीं कि आप सक्सेसफुल ना हो। ये चार किस्म की जुरिस्डिक्शन है जी, दो हम कर चुके हैं। सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन क्या है, व्हाट इज सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन जी? नहीं टेरिटोरियल मेरे लगता है आप पढ़ाए आपके पास है क्लियर है, इसमें मैंने टेरिटोरियल को सब्जेक्ट भी डील किया है। आपने सही है ठीक है। देखिए सब्जेक्ट मैटर ये है कि जो मैटर कोर्ट के पास आता है प्रॉपर्टी आ गई ठीक है, मूवेबल आ गई, इमूवेबल आ गया, मैं जुरिस्डिक्शन को कन्फाइन कर रहा हूँ, तो वहाँ पे कुछ सब्जेक्ट मैटर ऐसे हैं जो एक खास कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के पास ही जाने हैं, जैसे मैं एक मिसाल देता हूँ, नहीं अपने सिविल कोर्ट की बात कर रहे हैं आप, वो भी ठीक है, बात है ये कन्फाइन बात सर रिजल्ट फोर का अपना सिविल कोर्ट टू डे ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि ट्रेडमार्क के जो केसेस हैं, पेटेंट के केसेस हैं, या जो डेफिनेशन हुई है, वो केसेस सिविल कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होंगे, डेफिनेशन के केस में वहाँ पे होगा क्योंकि 2002 का एक ऑर्डिनेंस है, तो चार कुछ इंस्ट्रक्शन पर्टिकुलराइज कर दी जाए कि सब्जेक्ट मैटर अगर ये होगा तो वो सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन होगी। अब देखें जो प्रॉपर्टी सब्जेक्ट मैटर आपकी, कोई मकान है, कोई इजमेंट का मामला है, कोई प्रियम्पशन का मामला है, तो सब्जेक्ट मैटर अगर कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर है तो वो सब्जेक्ट मैटर किसी खास कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में आएगा ठीक है। आगे मैंने कहा है कि टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, वो मैंने पहले बता दिया है टेरिटोरियल इनमूवेबल प्रॉपर्टी के, एक सिविल जज का इनमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में पूरे डिस्ट्रिक्ट में अपना रिस्पॉन्स होता है। पेकुनरी भी आ गई, पेकुनरी जो क्या है जी, वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर और अमाउंट, दो चीज़ें आप कर देते हैं, या तो डायरेक्टली अमाउंट मांगेंगे या फिर कोई सब्जेक्ट मैटर है उसकी वैल्यू बताएंगे, यही करते हैं ना, जो आपका क्लेम का लास्ट मार्क होता है ये तो मान लिया कि तारीख मार्क वगैरह से वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर फॉर द पर्पस ऑफ पेकुनरी जुरिस्डिक्शन आर कोर्ट फी इज फिक्स्ड फी स्पेंट फॉर, तो या तो आप अमाउंट मांगेंगे या आप सब्जेक्ट मैटर वो गुड्स हो सकती हैं, वो प्रॉपर्टी हो सकती है, उसकी वैल्यू बताएंगे। सब्जेक्ट मैटर के लिए कहा कि जब भी देखिए किसी न किसी सब्जेक्ट मैटर के बारे में हम केस फाइल करते हैं, आपने मुझसे जो है मोटरसाइकिल छीन लिया, तो मैं आई वेंट टू कोर्ट टू रिकवर दैट मोटरसाइकिल फ्रॉम यू दैट इज दिस बिलोंग टू मी एंड पोजेशन मेड गिवन टू मी, मोटरसाइकिल इज सब्जेक्ट मैटर, सेकंडली आई एम बिजनेस मैन यू हैव वायलेटेड माय पेटेंट, वेल आई विल गो टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फाइलिंग सूट ऑफ देयर दैट यू हैव बीन स्टेन फ्रॉम वायलेटेड माय राइट्स, ट्रेडमार्क इज सब्जेक्ट मैटर,
you snatch possession of my house. I went to court to recover possession of that house. This house would be called subject matter of Bhabhi suit. तो सब्जेक्ट मैटर को है जो जिसके बारे में आपको किसी कोर्ट में लिखने जा रहे हैं आगे आ जाइए व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस इन कंटेंट ये सेक्शन 9 में कहा हुआ है उसने कहा कि सर्व कोर्ट से कोर्ट ऑफ आर्टिकल जो इंस्ट्रक्शन सब्जेक्ट टू प्रोविजंस इन कंटेंट कौन सी प्रोविजन है उसमें सीबीसी में काफी प्रोविजंस हैं जिनके तहत सर्व कोर्ट का जुरिस्डिक्शन बार है बताएं वो कहते हैं सेक्शन 9 है आपको बता देता है ये सेक्शन 9 है उसमें तीन चार लफ्ज लिखे हुए हैं बट यू मीन तो पता होना चाहिए आंसर आपका बट यू मीन बाय द सेक्शन 9 किसके पास है सीबीसी को ऑफिस में होगी लफ्ज उसमें लिखे हुए सेक्शन 9 बट यू मीन जी क्या सैमुअल एवं मरम जरूरी है सैमुअल एवं वो देखिए उसमें काफी प्रोविजंस हैं वो कह रहे हैं कि इनमें सेक्शन 10 है If a case has already been filed and you have filed another suit, you can take the of some judicial. If a matter has already been decided, resume कर रहा है, 12-2 में आप application दे के किसी डिग्री को challenge कर सकते हो, except suit filing कर सकते हो, section 47 है, order 2-2 है, order 9-9 है, order 23-3 है, इन subject में अगर लगे से मैं इसको लगभग नहीं करूँगा, order 22-9 है, उसके आगे जाए आर्डर इंस्टीट्यूट होगी जो है प्रोविजन है कि ये प्रोविजन है जो वो कहता है कि इन प्रोविजन के बारे में सुप्रीम कोर्ट जुरिस्डिक्शन नहीं रखेगा और ये देखिए वेदर जुरिस्डिक्शन कैन बी क्रिएटेड विद द कंसेंट ऑफ द पार्टी दो पार्टीज ऑफ द म्यूचुअल एग्रीमेंट कैन गिव जुरिस्डिक्शन टू अ पर्टिकुलर कोर्ट आप केस मिलती केस फाइल करते हो डिफेंडेंट जो है उसके बता देते हो चले यार जाने जा सब हमारे बाकी पर कर दिए तो बहुत ले जाते हैं जी सर नहीं होगा नहीं होगा फैमिली फैमिली के सर जब मैं लड़की साइड कर रही थी कहीं और लड़का भी और जो भी आ गया कि तुम कभी कर लड़की पे डिपेंड करता है कि वो कहां से फाइल इस पे फैमिली ने मैंने अदर पर्स करे तो कहीं हो रहा है फैमिली ने फैमिली के हां मैंने पहले कहा था ब्लॉक का चीज ठीक है कि आई एम चलिंग यू अबाउट सिविल कोर्ट एंड स्पॉट जस्ट टू हैव सिविल कोर्ट और बाकी आप ये करने में वो केस ऐसे कर सकते हैं तो क्या होगा दो या दो से ज्यादा कोर्ट की जुरिस्डिक्शन बढ़ रही हो तो इंडिविजुअल मैटर हो उस पर डिफरेंस ऑफ पार्टीज से ट्रायल होते हैं किया जा सकता है देखिए वो अलग मैटर है कि जहाँ पे पार्टीशन के केस में प्रॉपर्टी मोर देन वन डिस्ट्रिक्ट में वो तो आप किसी एक कोर्ट में विद द कंसेंट ऑफ अदर पार्टीज और क्वाइट सूट इन वन ऑफ द कोर्ट ये कि कंसेंट से कुछ कुछ क्रिएट नहीं की जा सकती लेकिन इसकी एक ये इंप्लीकेशन पे है अगर आपने कंसेंट दे दी है तो मां बाद आप उस पे ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते कि इस कोर्ट को जुरिस्डिक्शन नहीं था ऑर्डर रेंडर्ड बाय कोर्ट वुड बी हैविंग बाइंडिंग इफेक्ट ऑन यू नेक्स्ट पेज पे सिक्स सेवन व्हाट डू यू देखिए क्वेश्चन ऑफ जुरिस्डिक्शन मस्ट बी देयर मैं वो क्वेश्चन आने वाला वैसे बात कर लेते हैं कि एक मिनट जरा पकड़ कर लीजिए अब ये है कि व्हाट डू यू मीन बाय जनरल जुरिस्डिक्शन एंड लिमिटेड जुरिस्डिक्शन अगर ये सवाल यहां पे अगर आप पढ़ लेंगे देख लें तो ये ज्यादा बेहतर है कि जब क्वेश्चन पेपर में ये सवाल आए तो वहाँ के लिए जनरल और लिमिटेड जुरिस्डिक्शन क्या है व्हाट इज जनरल एंड लिमिटेड जुरिस्डिक्शन एनीबॉडी तो पैकेज जुरिस्डिक्शन है वो भी लिमिटेड का नहीं नहीं तो सम सेंस दे रहा है क्या है जी देखिए सिविल कोर्ट शुरू में लेकर सिविल कोर्ट से कोर्ट ऑफ अल्टीमेट जुरिस्डिक्शन इट कैन एडमिनिस्टर जस्टिस बिटवीन द पार्टीज all matters unless the guardian नहीं नहीं guardian party में family को
हमारे सिविल कोड की बात कर रही है, ठीक है, वी आर डिस्ट्रिक्टिंग आवरसेल्फ इन द फोर्थ पैराग्राफ सिविल कोड व्हिच इज डेल्ट विद अंडर सेक्शन 9। जनरल जुरिस्डिक्शन है कि सिविल कोड का एज के 9 में चलता है, सिविल कोड हर मैटर पर जुरिस्डिक्शन करती है, दिस इज प्रिंसिपल आपके जहन में ये भी होना चाहिए अनलेस वॉर, ठीक है ना, अनलेस वॉर। तो ये उसकी जनरल जुरिस्डिक्शन है, ये सारे हॉल की एक एक कुर्सी का केस आएगा तो वो सिविल कोर्ट सुनेगी, लेकिन गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के लिए, पर्टिकुलर कॉस्ट के लिए, पर्टिकुलर एरिया के लिए, पर्टिकुलर राइट एंड ऑब्लिगेशन के लिए सम टाइम स्पेशल इंजेक्शन पास करती है, ठीक है जी। तो जहाँ पे आप देखें स्पेशल एक्सपेंट की आप ये मिसाल ले, सबसे बड़ी मिसाल ये है जो हमारा लैंड का नियम है उसे हम स्पेशल एक्सपेंट कहते हैं, स्पेशल कहते हैं ना जनरल और स्पेशल, प्रीएम्पशन ला लेते हैं प्रोसीजर भी है। प्रीएम्पशन इस्लाम की क्रिएशन है, ये किसी और मजहब की क्रिएशन नहीं है, तो ये पर्टिकुलर लगता है मुस्लिम पे। तो जहाँ पर गवर्नमेंट ने किसी खास सोसाइटी के लिए, सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के लिए, पर्सन के लिए कोई स्पेशल इंजेक्टमेंट बनाई हो तो वो जो जुरिस्डिक्शन है वो लिमिटेड जुरिस्डिक्शन होगी, वो केसेस वहीं पर जाएंगे। जैसे टैक्स मैटर्स हैं, मैं इसके बाद में बताऊँगा, रेवन्यू मैटर्स हैं, लेबर मैटर्स हैं, अगर आप लेबर हैं तो आपके लिए एक स्पेशल इंजेक्टमेंट आ गया और वो लिमिटेड जुरिस्डिक्शन चली जाएगी उधर, जनरल जुरिस्डिक्शन जो है वो इधर रह जाएगी। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस टू काइंड ऑफ जुरिस्डिक्शन, जनरल जुरिस्डिक्शन एंड लिमिटेड जुरिस्डिक्शन। नेक्स्ट आगे थी ये एट व्हाट मैटर्स आर रेलेवेंट टू कन्फाइंड जुरिस्डिक्शन ऑफ अ कोर्ट। एक कोर्ट की जुरिस्डिक्शन जो है वो कन्फाइंड होगी टेरिटरी के हद तक, सब्जेक्ट मैटर के हद तक जो मैंने पहले बताई है, पेट्रोलियम के हद तक, खास रकम तक ही केस हो सकती है, एक खास हद तक केस हो सकती है, एक खास सब्जेक्ट मैटर का केस हो सकती है, ठीक है जी। ये है कि वो अपने आप को एक यहाँ तक कंफाइन करेगी, उससे बाहर बियॉन्ड वो नहीं करेगी। आगे आ जाए, व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डर ऑफ जुरिस्डिक्शन, एक्सेसिव यूज ऑफ जुरिस्डिक्शन एंड रॉन्ग यूज ऑफ जुरिस्डिक्शन, दिस इज क्वेश्चन। देखिए तीन चीज़ें हैं जो दोनों तरफ काम आती हैं, रॉन्ग जुरिस्डिक्शन है, वांटेड जुरिस्डिक्शन है, एक्सेस यूज ऑफ जुरिस्डिक्शन है। यहाँ पे क्या है समझ को और क्या आ जाए, वांटेड जुरिस्डिक्शन यस नो थॉट के बाद एक्सेस यूज ऑफ जुरिस्डिक्शन है कि वो टेरिटरी से बयान चला गया है, अपनी क्योंकि जुरिस्डिक्शन से बयान चला गया है। रॉन्ग जुरिस्डिक्शन का ये बड़ी इलाबोरेट है, रॉन्ग उसको उसका अख्तियार भी है, बट ही हैज एक्ट बियॉन्ड द स्पिरिट ऑफ लॉ, एक्ट बी क्लेरिफाइड ट्रांसग्रेस इज पार्ट। तो ये एक्सेस यूज ऑफ जो है रॉन्ग एक्सरसाइज ऑफ जुरिस्डिक्शन है, जितने भी आप अपील फाइल करते हैं तो वो आपके नजदीक रॉन्ग एक्सरसाइज ऑफ जुरिस्डिक्शन है। इनको सेवरल एक्ट की एप्लीकेशन भी मैंने फाइल की थी, ही वाज अंडर कवर ड्यूटी टू रिजेक्ट द क्लेम बट ही डिडंट, ही एक्सरसाइज हिज जुरिस्डिक्शन इन अ रॉन्ग मैनर, इन अ फ्लैगरेंट मैनर। My application under 16.1 was double accepted but it was dismissed, judge exercised his jurisdiction in a wrong way. ये आगे क्या दे रहे हैं, 9 दे रहे हैं, 10 दे रहे हैं, whether jurisdiction is a pure question of law and how it can be answered by court. ये जवाब तो जवाब तो भी मेरे जो है वो ये नहीं, मेरा question ये है कि whether jurisdiction, question of jurisdiction is a, there are two kind of questions, question of law क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, ठीक है जी। मेरा ये क्वेश्चन है जो इसमें मतलब कह रहा है कि वेदर जुरिस्डिक्शन इज अ प्योर क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट, एंड इफ इट इज रेज्ड बिफोर द कोर्ट हाउ इट वुड बी आंसर्ड बाय यू योर जज। इस तरह से अगर वो कोई क्वेश्चन आपको दे देता है एग्जांपल, यू आर जज, हाउ यू वुड आंसर दैट क्वेश्चन। क्वेश्चन ऑफ लॉ, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट जो है, क्वेश्चन ऑफ लॉ इज आंसर्ड बाय जज, इट विल बी
कंटिन्यू डिफरेंट स्टैट्यूज डिफरेंट लॉ और जो जो क्वेश्चन फैक्ट है इट इज आंसर गिवन राइट अ रेडिट प्रोड्यूस बाय बोथ द पार्टी एक जज ने आंसर करना है इन द लाइट ऑफ लॉ ठीक है आपने जब बता दिया है कि बंदे की जुरिस्डिक्शन 50 लाख है तो क्लियर है ना इसमें कोई फैक्चुअल कंट्रोवर्सी तो नहीं है ठीक है तो वो आंसर करेगा लॉ को देख के तो अगर ये फैक्चुअल मैटर नहीं है अगर कोई क्वेश्चन फैक्ट हो तो इट इज डिसाइडेड इन द लाइट ऑफ एविडेंस ऑफ द पार्टी तो वो जो पार्टी एविडेंस देती है वहां से ये आंसर दिया जाता है आगे भी आगे और आ गया इसी सब तरह है 11 अ केस इज प्रेजेंटेड बिफोर यू वेयर द जुरिस्डिक्शन ऑफ योर कोर्ट इज एक्सप्रेसली बार्ड बाय स्टैट्यूट प्रेस्क्राइब एप्रोप्रिएट प्रोविजन ऑफ सीपीसी टू डील विद द केस आपके पास एक कैरिश्मा चाहिए है तो प्रोविजंस है सीपीसी में उसके तहत वो कह देता है बेंड ऑन योर ऑर्डर एंड डील विद द केस वन 151 जी और 94 तो अब देखिए मैं चलता चलता लोगों में टाइम हो अगर आपका जुरिस्डिक्शन नहीं है तो यू आर अंडर एन कंपनी फील टू रिटर्न टू लैंड ना टू चेक टू लैंड जो बार पे का है वो समथिंग एल्स है इनके से बार है किसी और चीज पे बार है प्लेन की का केस आपके पास आया है तो आपने वो रिटर्न करना है इन अदर टू परसेंट फॉर द प्रॉपर कोर्ट 710 की आपने क्लाम करनी है इसको आगे आ जाइए अभी आगे की सबसे जो मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नाम देखिए कौन है तो ये किए है जो वेदर राइट टू सीज एंड इनहेरिट राइट एंड कैन बी क्लेम इंडिपेंडेंट ऑफ स्टैट्यूट आप दक्षिण केस फाइल करते हैं आप दक्षिण केस फाइल करते हैं तो मैंने ये सेक्शन 9 को कल का बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि वेदर राइट टू सू इज एन इनहेरिट राइट and can be claimed independent of statute. Right to sue जो है वो कहाँ से लेती है आप केस फाइल करते हैं ना अभी तक आपने देखिए कहते हैं फेल हो गई एक भी सवाल कट नहीं किया चैप्टर 9 का और इसने यही बात है सर यही है ना अभी तक एक भी सवाल कट नहीं हुआ अब आप देखेंगे कहाँ खड़े हो आप किस हद तक आप कर रहे हैं कितनी आपको मेहनत की जरूरत है होपफुली करेंगे तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है वेदर राइट टू सू इज एन इनहेरिट राइट मैं ये सारी बातें करेक्टली एक घंटा बोल सकता था लेकिन ये कहने आपको थोड़ा साफ तो पता चले कि आप किसी जिनको पता है वो तो बता रहे जिनको नहीं पता उनको भी पता है कि आप कहाँ पर खड़े हैं तो मेरा थोड़ा सा मकसद ये भी है कि आपको पता चले कि आप कहाँ पर खड़े हो और कितनी मेहनत की जरूरत है क्यों 10,000 से चौथी पास होता है या पहली पास होता है या 20 पास होता है मेहनत की जरूरत है और मेहनत भी थोड़ी सी डिफरेंट काइंड ऑफ है तो जो राइट आप जो आप केस फाइल करते हो ये कहाँ से राइट चार्ज करते हो आप जो केस फाइल करते हो सुपर केस फाइल करते हो ये कहाँ से आप करते हो क्या ये किसी स्टैचू से इंडिपेंडेंट है या क्या इंडिपेंडेंट स्टैचू है सो आपको समझ रही है ना आपको तो थोड़ा पता तो लगे ना आपको सो आप कैसे आप आने हैं कैसे नहीं आने जी सर नहीं फंडामेंटल राइट आपने कर दिया वो मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में उनकी वायलेशन आएगी तो वो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्स 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 को आएंगे ये इंडिपेंडेंट राइट है मैंने पहले कहा था जब भी नुकसान पैदा होता है वो कुछ राइट हमें करता है ठीक है आपको किसी स्टैचू की जरूरत नहीं है केस फाइल करने के लिए किसी स्टैचू की जरूरत नहीं है लेकिन पर्टिकुलर लीग लेने के लिए आपको नेटवर्क लगानी पड़ेगी दिस इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू काइंड ऑफ थिंग्स केस फाइल आप कर सकते हो सुपर का भी प्रेजेंट कर दिया सुपर प्रिएम्पशन कर दिया सूट बार एनफोर्समेंट का पेशमेंट कर दिया सुपर इंटेंशन कर दिया आप केस फाइल करने के लिए जज आपको ये नहीं पूछ सकता कि आप ये जो राइट टू सू इंटरटेन कर रहे हो ये राइट आपने कहाँ से लिया है वो आपका इनहेरिट राइट है अब आपने अगर शुभे का केस बिजली करवाना है या आपने उसमें तकलीफ लेना है तो आपको शुभा जो स्टैचू है वो कहना पड़ना है कि आप शाही शरीफ हैं आप खरीद हैं आप जा रहे हैं आपने पैसे तो करवा दिए हैं तो ये क्वेश्चन जो है इससे निकल ये आपको हर सूरत आना चाहिए
ये कोई इंटरव्यू के क्वेश्चन नहीं है, ये मैं कुछ पाकिस्तान से करके आया हूँ तो इंटरव्यू के क्वेश्चन में कुछ तो नहीं है, वो इसमें से कुछ चीज़ें वो भी हैं, कुछ पास पेपर्स हैं, कुछ प्रयत्न से कितना है आप आगे आ जाइए आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट सोर्स आर एक्सप्रेसिव आर्ट एंड व्हाट डू यू मीन एक्सप्रेसिव आर्ट, इनुमरेटेड फाइव एग्जाम्पल्स। उसने सेक्शन 9 में लिखा हुआ है कि अनलेस जस्टिफिकेशन ऑफ सिविल कोड इज एक्सप्रेसली आर्टिफाइड इन लॉ, तो ये सेक्शन 9 के रेफरेंस है एक्सप्रेसली, ये तो आपको पता होना चाहिए। नहीं नहीं, ये वो आप नहीं पढ़ के आ रहे हैं, वो प्रोविजन से कंटेंट है, आप जितने भी ट्यूशन की बुक्स लेंगे वो एक्सप्रेस उसको डाल देना है, ये कतन एक्सप्रेस है जो आपको यहाँ पे ये मैं कॉल टू आ रहा हूँ, उसमें सेक्शन 9 किसके पास है पढ़े तो लाउड नहीं पढ़े ना सेक्शन 9, ये देखिए ये बहुत बड़ा जुड़ा हो रहा है, इधर सेक्शन 9 की चेक करें, दोबारा चेक करें सर, लाउड नहीं पढ़ने सर खड़े लेकिन स्टैंड है, अगर वो 11 है तो फिर दो दो जगह क्यों डील हुआ है बताएं। एक ही आ गया सब्जेक्ट टू प्रोविजन हियर इन कंटेंट हियर इन आफ्टर कंटेंट, एक ये आ गया, एक उसने डिस्क्रिप्शन लगा दिया ये सिविल कोड पे, और क्या लगा ये चीज और लगा दी उसने, वो लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर की इंटेंशन को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, ये काम यही है, तो वो ये दो सब्जेक्ट का खेल नहीं कर सकता था, रजनी का काम किया रजनी का काम जो है वो आगे 23 है 99 है, ये प्रीवियस स्केल इन कंटेन है, ठीक है। एक्सप्रेस जो मैंने कहा है एक्सप्रेस बार है वो बार जो किसी स्टैचू ने क्रिएट किए हैं, एक्सप्रेस बार वो बार है जो किसी स्टैचू और जो टाइमिंग फोर्स है कि वो ने बार क्रिएट कर दिया लिमिटेशन एक्ट तो बात की है, वो टाइम में प्रेस्क्राइब करता है कि इतने टाइम में आपने केस फाइल करना है और इतने टाइम में आप केस फाइल नहीं करना है, ये मैं कह रहा हूँ कि मैंने ये कह दिया कि सिविल कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ अल्टीमेट जुरिस्डिक्शन टू डिसाइड ऑल केसेस ऑफ सिविल नेचर अनलेस इट्स जुरिस्डिक्शन इज एक्सप्रेसली आर्टिफाइड बाय लॉ। अब एक्सप्रेसली बार का मतलब ये है कि पार्ट बाय स्टैट्यूट टाइम में इन्फोर्स हो, पार्ट बाय स्टैट्यूट तो बहुत बड़ा सा है, देखिए 172 सेक्शन लैंडर एक्ट का आपने पढ़ा होगा, उसमें लिखा हुआ है कि सिविल कोर्ट शैल हैव नो जुरिस्डिक्शन इन फॉलोइंग मैटर्स, देखा है जी स्पेसिफिक, मैं अंदर मोस्ट पेस्ट नहीं नहीं राइट में इसमें तब सिविल कोर्ट में आएंगे, पहले ये है कि व्हाट सोर्स आर एक्सप्रेसली बार, वो सोर्स एक्सप्रेसली बार हैं वो उन मैटर में सिविल कोर्ट का जुरिस्डिक्शन नहीं है जहाँ पर कोई इंडिपेंडेंट, पहले पहले कहा था ना लिमिटेड जुरिस्डिक्शन, इंडिपेंडेंटली कुछ स्टैट्यू जो हैं वो क्रिएट हो चुके हैं, सबसे बड़ी मिसाल उसकी है लैंड एक्ट, उसकी सेक्शन 172 के तहत सिविल कोर्ट विल हैव नो जुरिस्डिक्शन, फिर वो यूनिवर्सिटी एक्ट है आपके, उसके बाद लेबर लॉज है, क्रिमिनल प्रोसीडर्स में 133-145 की कार्रवाई इनमोवेबल प्रॉपर्टी के बारे में होती है, 145 पर्टिकुलर इनमोवेबल प्रॉपर्टी की है, तो वहाँ पर अगर कोई ठीक आ जाए तो वो आप सिविल कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है जी। दूसरा आप यहाँ के कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एक्ट है, उसके बाद सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट है 1971 है, बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट है, टेनेंट्स एक्ट है 1887 के वहाँ पे मुजाहरे की टेनेंट इविक्शन होगी तो सिविल कोर्ट में नहीं जा सकता, तो सो वो एक्सप्रेस पास क्या है कि जिन स्टैचू ने मैंने पहले कहा था कि लिमिटेड पर्पज के लिए कुछ स्टैचू जारी किए जाते हैं, जैसे कि टेनेंट है, टेनेंट एक खास कैफियत है, एक खास क्वालिफिकेशन है, तो टेनेंट के जो राइट्स एप्लीकेशन है वो टेनेंसी एक्ट कह रहे हैं, और टेनेंसी एक्ट में एक प्रोविजन आ गया सेक्शन 51 है कि टेनेंसी के सारे मैटर जो है वो टेनेंसी एक्ट के तहत देखे जाएंगे, सिविल कोर्ट नहीं देखेगी, 172 मैंने पहले बता दिया। फिर पार्टीशन के बाद दो एक्ट पास हुए थे वैक्यूम के, जो महाजनों की प्रॉपर्टीज थी उसमें भी ये है दो सेक्शन थे 32 है बागवान या उसके अंदर के चीज़ वहाँ पर भी सिविल कोर्ट का जो स्टिक्शन जो है वो बाद में आ गया, तो
आप इसमें काफी अगर वो गए कि इमिनेंट मैं कह रहा कोई फाइल पे टाइम इसके अलावा कहां जुटाए फाइल केसेस आप देखें जिसमें से रिपोर्ट का जस्टिफिकेशन एक्सप्रेस की बात है तो आप ये सारे केसेस दे सकते हो कि ये वो इनेक्टमेंट्स हैं जिनकी अपनी प्रोविजन के तहत जुरिस्डिक्शन सिविल कोर्ट का बार किया गया है आगे आ जाते हैं जी व्हाट एन इंप्लाइड बार इंप्लाइड बार भी हैं और ये बार भी हैं वो जो बार है ना ये थ्री चैप्टर कंटेंट वो कंडीशनल बार हैं ठीक है एब्सोल्यूट बार है वो एक्सप्रेस और इंप्लाइड बार नहीं है एब्सोल्यूट वो कंडीशनल बार है जी मैं बता रहा हूँ ये इंप्लाइड बार जो है ये आप देख सकते हैं कि उसमें कुछ तो मैटर है जो एब्सोल्यूट बार है सेक्शन 11 आ गया 99 आ गया आपका केस अदालत में खारिज हो चुका है तो आप दोबारा केस नहीं कर सकते हो यू हैव टू सी रजिस्ट्रेशन ऑफ योर अर्लियर सोर्स इफ यू हैव विथड्रॉन योर केस विदाउट गेटिंग परमिशन ऑफ सिविल कोर्ट यू कांट फाइल अनदर सूट ठीक है और ऑल मैटर्स आर गेटिंग टू एग्जीक्यूशन वुड बी डिसाइडेड बाय द सेम कोर्ट यू कांट फाइल सेपरेट सूट ये आगे एब्सोल्यूट बार कुछ बात है कंडीशनल बार सेक्शन 79 है सरकार के खिलाफ अगर आपने केस फाइल कर दिया तो आपने नोटिस वगैरह देना है सेक्शन 91 या 92 है कि आपने एडवोकेट जनरल की या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का इजाजत करना है ये आगे है कंडीशनल बार अब जो इंप्लाइड बार है इसके साथ मैंने इंटरेस्टिंग साथ बताया है कि दो किस्म के एक्ट हैं जो आपके साथ इंप्लाइड बार समझ लेंगे एक्ट ऑफ स्टेट है जो सॉवरन एक्ट है और एक्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव है आप जो एक्ट ऑफ स्टेट है वो स्टेट अपनी सॉवरेनिटी की पावर्स यूज करते हुए कोई अपनी टेरिटरी सीज कर देती है या टेरिटरी ले लेती है लेकिन जब स्टेट्स सॉवरन एक्ट करती है तो वो लॉ ऑफ लैंड या जो डिस्प्यूट लॉज होते हैं या जो सिविल लॉज होते हैं उनके मुताबिक वो बाउंड नहीं होती है अगर पाकिस्तान इंडिया के साथ पैक्ट कर लिया है अटैक टू कश्मीर तो वो उधर सिविल कोर्ट में वो एक्ट चैलेंज नहीं कर सकता सॉवरन एक्ट जो है वो इंटरनेशनल लॉ के तहत ही चैलेंज किए जाते हैं इंटरनेशनल लॉ की एक अपनी डायमेंशन है तो वो एक्ट जो स्टेट ने किए हों बाय एक्सरसाइजिंग इट्स सॉवरन पावर और वो टेरिटरी सीड की हो वो टेरिटरी दी हो और उस टेरिटरी में सीड होगी तो आप गए ली तो वो लोग आ गए उसमें तो प्रॉपर्टी इंक्वायरी की जा सकती है किसी प्रॉपर्टी को पैरिश किया जा सकता है सॉवरेनिटी को सेफगार्ड करने के लिए जो एक्ट ऑफ स्टेट किए जाते हैं वो सिविल कोर्ट में पावर है वो सिविल कोर्ट उनके बारे में रिस्ट्रिक्शन नहीं है अब आ गया एग्जेक्टिव एक्ट एग्जेक्टिव एक्ट क्या है एनीबडी कैन टेल एग्जेक्टिव एक्ट क्या है एग्जेक्टिव एक्ट डन किए जाते हैं पब्लिक ऑफिशियल्स की तरफ से वो स्टेट के ऑफिशियल एग्जेक्टिव के आप जिसको क्रेडिट करवाते हैं तो रजिस्ट्रार जो ऑर्डर पास करता है वो एग्जेक्टिव एक्ट है आप के गांव में वो प्रॉपर्टी डिप्टी कमिश्नर अपॉइंट कर देता है वो उसका एग्जेक्टिव एक्ट है ठीक है आप की गली जो है वो प्राइवेट ओनरशिप है लेकिन वो सरकार उसको हायर कर देती है वो एग्जेक्टिव एक्ट है ऑल एक्ट्स व्हिच आर डन बाय पब्लिक ऑफिशियल्स आर एग्जेक्टिव एक्ट्स और अगर वो एक्ट आपके सिविल राइट्स को इंफ्रिंज करते हैं तो वो एक्ट आप जो है वो सिविल कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं सॉवरन एक्ट जो है वो इम्प्लाइड ही बोल रहे एग्जेक्टिव एक्ट जो है वो आप सिविल कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं क्योंकि वो डायरेक्टली इफेक्टेड है एक मिसाल मैं आपको देता हूँ 172 की प्रोविजंस है जो आपके लिए जुरिस्डिक्शन को सिविल कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को बाहर आती है लैंड प्रोविजन है उसके साथ आपकी 3 सेक्शन है इफ अ पर्सन कंसीडरिंग हिमसेल्फ अग्रीड फ्रॉम एनी एंटिटी ऑफ द कस्टम पार्टनर राइट्स ही कैन फाइल सूट इन सेक्शन 42 ऑफ द कस्टम लीगल ठीक है तो ये है कि जो एंट्रीज रेवेन्यू की आपकी चलती हैं वो एक्सेप्टेड एक्ट्स हैं पब्लिक ऑफिशियल वो एक्ट करते हुए आपके राइट्स को इंफ्रिंज करते हैं और आप डिससेटिस्फाइड हैं तो आप उनके एक्ट्स को सिविल कोर्ट में लेके आ सकते हैं मैं इसको फर्दर मैंने 2 मिनट में और का करना शुरू कर दूँगा कर लें लेकिन मैं इसको ले जाता हूँ आगे 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 व्हाट डू यू मीन बाय एब्सोल्यूट बार यहाँ पे जी
फैक्ट्री नहीं रहता है क्या? जी जी, व्हेन सिविल कोर्ट मे टेक ऑब्जेक्शन सम एनी मैटर वेयर इट्स जस्टिफिकेशन डज नॉट एग्जिस्ट, ये क्वेश्चन है सेक्शन 19 के, जो जस्टिफिकेशन सिविल कोर्ट का नहीं है क्योंकि वो मैटर बताएगा। ये सवाल में भी ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल हो सकता है कि सिविल कोर्ट का जस्टिफिकेशन बाल है, इवन कैन सिविल कोर्ट मे टेक ऑब्जेक्शन कैन डिसाइड द केस। वो चार चीजें हैं जो हमें इसी को पढ़ना चाहिए था। देखिए, जहाँ पे म्यूटेशन हुआ, म्यूटेशन तहसीलदार का ऑर्डर है, वन से मतलब कहता है कि कोई भी प्रेपरेशन रिकॉर्ड हुआ तो सिविल कोर्ट ही लेगी। लेकिन अगर आप सिविल कोर्ट में ये बताते हैं कि उसने जो एक्ट किया है, जिस लॉ का एक्ट किया है, उसने उस लॉ की खिलाफवर्जी की है, हर इनेक्टमेंट का पर्पज होता है, और अगर उसने अपना एक्ट उस इनेक्टमेंट के पर्पज को मीटअप करने के लिए ना किया हो तो वो एक्ट मैलाफेटी होगा। मैलाफेटी आपने बड़ा सुना है, मैलाफेटी एक्ट मैलाफेटी है। तो आप विदाउट हैविंग रिपोर्ट्स जो रेगुलर डालते हैं, फर्दर आप ऊपर जाए, अगर आप इस काबिल है कि आप उसके एक्ट को मैलाफेटी एक्ट बताएं सिविल कोर्ट में, तो वो उसका एक्ट जो है वो डायरेक्टली आपके अंदर दे आ सकता है। और भी जितनी इनेक्टमेंट है सिविल कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ अल्टीमेट जुरिस्डिक्शन, ये अब आप पे है कि आप पब्लिक ऑफिशियल के एक्ट को किसी जिस भी इनेक्टमेंट के तहत करके, जो पब्लिक ऑफिशियल हैं वो गाइडेड बाय लॉ है, दे आर बाउंड टू ओबे लॉ। अगर उन्होंने लॉ ओबे नहीं किया, उसकी इंटरप्रिटेशन किसी और हिसाब से कर दी है, या उसने उसकी इंटेंशन को पिकअप नहीं किया, तो वो एक्ट मैलाफेटी है, आप उसके एक्ट को सिविल कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। आगे आगे भी जहाँ पर फैक्चुअल कंट्रोवर्सी हो, ये दूसरी कंडीशन है। आप जाते हैं उधर को अपील फाइल करते हो, तो आपने कई दफ़ा सुना होगा तो वो कहते हैं कि यार इसमें एविडेंस रिकॉर्ड होना है, फ्रॉड का एलिमेंट है और फैक्चुअल कंट्रोवर्सी है। फैक्चुअल कंट्रोवर्सी कैन ऑलवेज बी डिसाइडेड बाय सिविल कोर्ट। फैक्चुअल कंट्रोवर्सी का ये एविडेंस सर्विस का पूछ रहा है, पूछ रहा है, तो जहाँ पे फैक्चुअल कंट्रोवर्सी होगी वहाँ पे भी आप सिविल कोर्ट में आ सकते हैं। दूसरा आ जाता है कि कुछ इनेक्टमेंट्स ऐसी हैं जो वहाँ पे रेमेडी तो मौजूद है, इन रेमेडी मौजूद है, फर्दर रेमेडी नहीं दी गई। देखिए, कोई मुतसब मुतसब है, मुतसब की फर्दर रेमेडी नहीं है। अगर आप रिट करें तो कहते हैं ये वो फेडरेशन प्रोविंस या लोकल अथॉरिटी नहीं है, तो आप कहें ओके जो सोवे रेमेडी, तो वे देर इज अ राइट देर इज अ रेमेडी, तो सिविल कोर्ट तबके से आ जाती है। वहाँ पे जहाँ पर कोई रेमेडी नहीं, आप सिविल कोर्ट में आ सकते हैं। आपने एक रेमेडी जो है वो किसी कोर्ट में ले ली, या कोई ऑर्डर किसी फोरम पे आपके खिलाफ पास हो गया, अब वो स्पेशल एक्टमेंट है, स्पेशल एक्टमेंट में कोई अपील की प्रोविजन नहीं दी गई, तो क्या करेंगे आप उसको सिविल कोर्ट में देख लेंगे कि सिविल कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ अल्टीमेट जुरिस्डिक्शन एंड सिविल कोर्ट कैन चेक वैलिडिटी ऑफ दैट ऑर्डर, क्योंकि मेरे पास अपील नहीं है, मैं वहाँ पर नहीं जा सकता हूँ। अब ये हमारे आगे था कि सिविल कोर्ट इन मैटर में भी जुरिस्डिक्शन दे सकता है। आगे था कि व्हाट डू यू मीन बाय एब्सोल्यूट फॉर, देखिए एक्सप्रेसली जो मैटर थे उन्होंने कह दिया कि सिविल कोर्ट विल नॉट हैव जुरिस्डिक्शन रिगार्डिंग द मैटर व्हिच कम्स विदिन द एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन ऑफ डिफरेंट रूलर्स। तो मैंने कहा था कि आप बेशक जुरिस्डिक्शन बाद हो, आप मैलाफैक्टी क्लेम करके ट्रांसग्रेशन ऑफ पास्ट करके उसके डिलीगेज ऑफ लॉ करके वाइडर रिशो करके एप्लीकेबिलिटी आप किन लीगल लॉ करके उसको सिविल कोर्ट में ट्विस्ट कर सकते हो। लेकिन देर आर सम केसेस वहाँ पर अगर मैलाफैक्टी हो भी तो वो आप सिविल कोर्ट में नहीं ला सकते, वो एब्सोल्यूट बार है। तो एब्सोल्यूट बार क्या है वो बताएंगे, एब्सोल्यूट बार भी तो सेक्शन 9 के तहत आपने कंडीशनल बार का पढ़ लिया। एब्सोल्यूट बार में पहले वो वहाँ पे आ गया, एक्सप्रेस बार आ गई, इम्प्लाइड बार आ गई, अब आ गए एब्सोल्यूट बार। एब्सोल्यूट बार वो हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने पैदा किए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं कि एक्स्ट्रा सूचित है 199 के अगर लैंग्वेज पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ मैटर्स ऐसे हैं जहाँ पर हाई कोर्ट भी अपना कॉग्निजेंस नहीं ले सकती, तो जब हाई कोर्ट अपना कॉग्निजेंस नहीं ले सकती तो वहाँ पर सिविल कोर्ट कैसे ले सकती है। वो दो मैटर हैं
कि इलेक्शन कैटर जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ स्पीक ऑफ द टेरिटरी वहाँ पे सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि बाकी जो दूसरी प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन की अगर वहाँ पर कोई रेमेडी दी गई है तो वो रेमेडी वहीं पर ली जाएगी वो रेमेडी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं ली जाएगी। तो अगर जो वो एक्ट जो है टेंडर की मेलेबिलिटी हो मेलेस हो इनलीगलिटी हो आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं ला सकते। दो दो उसके ट्रिब्यूनल हैं स्पेशल ट्रिब्यूनल हैं एक तो ये जो इलेक्शन होते हैं इलेक्शन एप्लीकेशन जो है वो स्पेशल ट्रिब्यूनल उसको रखते हैं दूसरा सर्वस मैटर है सर्वस मैटर में भी आप यहाँ पे लास्ट में आ गया जी वेदर सिविल कोर्ट हैज पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑफ एग्जीक्यूटिव एक्ट व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू जुडिशियल रिव्यू क्या है वेरी सिंपल जहाँ पे एग्जीक्यूटिव एक्ट इज चेक्ड ऑन द बेसिस ऑफ लॉ वेदर इट वाज डन इन अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन इट इज प्री रेक्टर इट वाज प्री रेक्टर ऑफ द सुपीरियर कोर्ट। लेकिन देखें मैं लास्ट पे जो पॉइंट इसको मैंने हल करना है मैंने आपके सवाल ये बनता है इसको गौर करें आप whether constitution remedies under article 199 and civil remedies under ordinary law have some similarities compared both of them subcontinent ne pehli thi high court thi madras thi calcutta thi bombay thi to executive acts jo the wo to wahan pe challenge ho jate the pure subcontinent mein civil courts se bhi jo executive acts ko challenge unko unke bare mein request karti thi वहाँ पर उनको चैलेंज किया जा सकता था। आज भी लेकिन इस तक लगता था कि आर्टिकल आपको ज़्यादा सिविल कोर्ट में चैलेंज करते हैं तो वो ये जुडिशरी रिव्यू भी आप पेश करते हैं ना रजिस्ट्रार के आप चैलेंज करते हैं। मैं आपका दिमाग खोलना चाहता हूँ कि सिविल कोर्ट इज अ टोटल डिफरेंट इट्स अ बिगेस्ट कोर्ट पूरे आइन में कहीं पर भी ये स्टेट नहीं किया गया कि सिविल कोर्ट जो है वो एग्जीक्यूटिव एक्ट्स के बारे में कोई जुरिस्डिक्शन नहीं रखते हैं। 199 की स्पीच यही है जो पांचवें बयान की गई है उसमें यह है कि कोई भी सरकारी अदारा अगर फंडामेंटल राइट्स की खिलाफवर्जी करता है या जो ग्राउंड दी गई हैं उसके अदर पर जाता है तो आप रिट फाइल करके वो ऑर्डर रेमेडियल करवा सकते हो। मैं कहता हूँ कि सिविल कोर्ट इस पर एक बहुत अच्छा फीचर भी खरीद चुका है तो वेदर सिविल कोर्ट है पार्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू सिविल कोर्ट जो है वो उन मैटर में भी रिलीफ दे सकती है जिन मैटर में हाई कोर्ट रिलीफ नहीं दे सकती। हाई कोर्ट में आपका रिस्पॉन्डेंट जो है वो सरकार होना जरूरी है यहाँ पे आपके राइट है प्राइवेट टू प्राइवेट प्राइवेट टू पब्लिक ऑफिशियल्स। तो जुडिशियल रिव्यू पार्ट सिविल कोर्ट के पास है सिविल कोर्ट किसी भी पब्लिक ऑफिशियल के ऑर्डर को जुडिशियल रिव्यू करके उसको एनाल कर सकती है। जो आपका रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट पब्लिक डॉक्यूमेंट है आप इसको जब कैंसिल करवाते हैं तो बेसिकली जो ऑर्डर है रजिस्ट्रार का उसको करते हो। अगर आप किसी भी स्पेशल पर्सन करवाते हो तो वो आप ऑर्डर तहसीलदार का करवाते हो। अगर एक्साइजन एक्सेशन वाले आपको ज़्यादा कोई अपनी वो असेसमेंट कर देते हैं तो वो एक पब्लिक ऑफिशियल को अगर रिव्यू करते हो। तो इसलिए जो सिविल कोर्ट है आप कह सकते हैं कि सिविल कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यूज की पावर मौजूद है। अगर किसी नाम में मौलाना मजदूरी साहब का केस जो 1960 उसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्प किया है और वैसे भी जैसे मैंने पहले कहा कि 3 हाई कोर्ट तो इससे पहले ये सारे जिनसे प्राइवेट पार्टीज इन्फ्रिंज होती थी वो सिविल कोर्ट में चैलेंज किए जाते थे और आज भी चैलेंज किए जाते हैं। अब मैंने कहा था कि सिमिलैरिटीज बताएं देखिए प्रोहिबिशन एक रिट है 199 लास्ट में प्रोहिबिशन यह है कि आप ये ना करें प्रोहिबिशन आप ये ना करें इंजंक्शन क्या है परमानेंट इंजंक्शन क्या है डिफेंडेंट में भी स्टेट फ्रॉम इंटरफेरिंग विद सेशन ऑफ लेटर डिफेंडेंट में भी स्टेट फ्रॉम सेलिंग ऑल सोर्ट ऑफ प्रॉपर्टी डिफेंडेंट में भी स्टेट फ्रॉम एंटरिंग टू वॉर हा। तो मैंने ये लास्ट सवाल फिनिश किया था आपका थोड़ा जेन खुले कि हाईकोर्ट की जो रिट्स हैं उनका मुतबादल सिविल कोर्ट के पास भी है प्रोहिबिशन का मुतबादल है परमानेंट इंजंक्शन। अब देखो मेंटेनेंस क्या है मेंटेनेंस में रोक देता है उसमें है कि ये भी स्टेट का बिजनेस कनेक्ट है ये है ना 199 अगर आपके पास हो ये मैं आपको बहुत बड़ी बात बताने वाला हूँ इसको आपने जरा जेन में रखना है। हमारे पास मेंटेनेंस का मुतबादल क्या है क्या है बताइए यार मैंडेटरी इंजंक्शन है हमारे पास
मैंडेटरी जब से ये है कि कोई इलीगल एक्ट हो गया आप खत्म करें तो वहाँ पे भी यही है मैंडेटरी की स्पिरिट भी यही है ससुराली क्या है इलीगल एक्ट डन और टेकन मेबी डिक्लेयर करना अनलॉफुल तो डिक्लेरेशन क्या चीज है डिक्लेरेशन मुझे यही कहते हैं कि जैसे सिटी सोल सोल कैंडिडेट डिक्लेयर डन एंड वाइड एंड इट वो लीगल करते का ऑल तो ये तीन काइंड ऑफ स्टेटस है मैंडेटरी सेल्फ प्रोडक्शन है ससुराली है वो सिविल कोर्ट भी अंडर ओनली लॉ प्रोवाइड कर रही है दैट्स ऑल अब अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो क्यों बच्चा होते हैं 18 क्वेश्चंस आपने सुने वो समझे किसी भी क्वेश्चन कोई भी ए बी जी डी भी है तो 5 से 10 मिनट हमारे पास हैं तो आई टू गिव द मिसेस वाला भी क्वेश्चंस पूछिए थोड़ी सी वो स्पीड ज़्यादा थी टाइम कम होने की वजह से लेकिन कोई भी बिल्कुल भी है तो प्लीज मेक इट क्लियर नाउ कोई भी कह रहे वो जो स्ट्रक्चर देखा वो भी रिसर्च करेगा
लेकिन सिविल कोर्ट इतनी बड़ी कोर्ट है, अगर आप ये तीन चीज़ें आप उनको डिफाइन कर दो, आप उनको फॉर्म कर दो कि उन्होंने जो एक्ट किया है, ना तो ये है कि अगर कुछ म्यूटेशन आया है तो म्यूटेशन की हैव टू फाइल क्लेम को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, म्यूटेशन पास बाय तहसील का एज पर स्पिरिट ऑफ सेक्शन 161 ऑफ नेट एंड नेट यू हैव टू फाइल क्लेम फॉर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। लेकिन अगर आप कहते हो कि मैंने वहाँ पे हिरार्की को इंटरटेन नहीं करना, आई हैव टू कम टू सिविल कोर्ट अंडर सेक्शन 9, देन यू विल हैव टू डिस्क्राइब दैट एक्ट डन बाय तहसील वाज एंटर्ड विद मेलोडी पहला तो जैसे मुझसे तो पास अप रहती है, बहुत बड़ी चीज़ है। एक रेमडी तो हो, आप अग्रीड हो तो आपका हो, अभी जो सभी रेमडी मैंने हुक्म तरह के वे दे रखा, आपका राइट है। अपील इज अ स्पेशल कंडीशन ऑफ स्टैचू, आप वैसे हो तो आप अपील नहीं कर सकते, अगर हो तो हो, अगर नहीं है तो यू कैन कम बिफोर सिविल कोर्ट एंड यू कैन चैलेंज दैट बट इट प्रमोट सिविल कोर्ट। आप सेक्शन 9 को और उसकी इवन कमेंट भी पढ़ के आती है,
ये असल इसका एसेंस है। सेक्शन 9 पढ़ें, उसकी कमेंट्री पढ़ें कि भाई हमें सुबह बैठना है। सेक्शन 9 को उस दिन यहाँ पर मेरी बहन बैठी थी, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की थी, मुझे वो मुझे नजर नहीं आ रही था कि सेक्शन को ब्रेक करना सिखाए। ये वो काम है जो आज हुआ है कि सेक्शन 9 एक सेक्शन में से 18 क्वेश्चन आपके सामने रखे गए हैं। दिस इज हाउ टू ब्रेक द सेक्शन। लेकिन इसमें वो जो पहले दिन से बात कर रहा हूँ, आपका ही सारा वो इन्वॉल्वमेंट है, तो ये चल रहा है। सेक्शन 9 हो गया 100% मसला। टुमारो अगेन इलेक्टेड टू बी आल्सो अगेन दिस रिस्पेक्टेड पर्सन फॉरमोस्ट पर भी साइड कर लेंगे इनका, या जिनका भी वो सेक्शन अगर मेंशन करेंगे तो पढ़ाई करेंगे वो थोड़ा बड़ा। ये जिस तरह ये सेक्शन 18 क्वेश्चन में एक एक क्वेश्चन ज्यादा जनरल लेवल में चल ही नहीं सकते, इन्होंने बेहतरीन अंदाज में मेरी नजर में पढ़ाया है। लेकिन बड़ा होता तो ज्यादा बेहतर था। और आखिरी बात इसमें यही है कि बहुत सारे शायद आप जैसे दोस्तों को इलम में होगा कि हमारे साथ और इन्होंने बाद में रिजाइन किया, वकालत के शोबे को प्रायोरिटी दी के वकालत में आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए फखर है, हमारे भाई हैं और ये आज इस प्रोसेस में गुजर चुके हैं। बीसी में रिजाइन करने के बाद